आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत आज पड़ोसी देश के उस कदम के साथ जिसे न सिर्फ हैरानी हुई है बल्कि इसके साथ ही कई और सवाल भी खड़े हो गए हैं। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने आज पठानकोट के मास्टरमाइंड मौलाना मसूद अजहर को हिरासत में लेने का आदेश दिया और ये एक्शन तब हुआ जब भारत ने पाक से पठानकोट एयरबेस के हमलावरों पर कार्रवाई करने की बात कही थी। ऐसे में क्या मान लिया जाए कि पाकिस्तान इस बार आतंकवाद के मसले पर भेदभाव करने के मूड में नहीं है, लेकिन ये मानने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि जिस मसूद अजहर को हिरासत में लिया गया है उसे 1999 के बाद से पाकिस्तान ही पाल रहा है। पठानकोट हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच डिप्लोमेसी की एक ऐसी जंग छिड़ी हुई है जिसमें गोले बारूद से वार नहीं किए जा रहे बल्कि सियासी पैतरे का जवाब सियासी पैतरे से दिया जा रहा है। भारत ने पठानकोट के हमले में जैश ए मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर को मास्टरमाइंड माना है और पाकिस्तान से इस पर कार्रवाई करने को कहा। पाकिस्तान ने भारत को दिए गए सबूतों को तो पुख्ता नहीं माना, लेकिन जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को पाकिस्तान के बहावलपुर से हिरासत में ले लिया गया है। लेकिन मुद्दा यह है कि यह हिरासत वाला एक्शन क्या है? क्या वाकई पाकिस्तान कुछ करने के मूड में है या फिर वो दुनिया को ये दिखा रहा है कि वो भारत से अपने रिश्ते सुधारना चाहता है? इस गिरफ्तारी से पहले आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की अध्यक्षता में आंतरिक सुरक्षा के मामलों पर एक बैठक हुई थी। इस बैठक में पाकिस्तान के गृह मंत्री चौधरी निसार अली खान, वित्त मंत्री इसहाक डार, खुफिया विभाग के निदेशक और लाहौर के कोर कमांडर के अलावा सेना और प्रशासन के कई उच्च अधिकारी शामिल थे। बैठक के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि जैश ए मोहम्मद के कई दफ्तरों पर छापे मारे गए हैं और उन्हें सील कर दिया गया है। बयान में ये भी कहा गया है कि पठानकोट एयरबेस पर हुए हमले के बारे में चल रही जाँच काफी संतोषजनक है। पाक ने यह भी कहा है कि आगे कार्रवाई करने के लिए पाकिस्तानी सरकार अपने खास जांच अधिकारियों के एक दल को पठानकोट एयरबेस भेजने पर भी विचार कर रही है जिसे भारत सरकार से बातचीत के बाद भेजा जाएगा। पठानकोट हमलों के मामले में भारत के कड़े तेवरों को देखते हुए पाकिस्तान जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों पर कार्रवाई तो कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान की नीयत पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों की गिरफ्तारी की खबर भारत और पाकिस्तान के विदेश सचिव स्तर के अधिकारियों की प्रस्तावित बैठक से 48 घंटे पहले आई है। पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार दोनों देशों के विदेश सचिव 15 जनवरी को पाकिस्तान में मिलने वाले हैं। आखिरी जानकारी के मुताबिक इस शेड्यूल में कोई चेंज नहीं किया गया है। भारत पाकिस्तान के इस रवैये का स्वागत भी कर रहा है, फिर भी ये भूला नहीं जा सकता कि वो पाकिस्तान है जिसे सही दिशा में पड़ रहे कदम को गलत दिशा में मोड़ देने की आदत है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। मौलाना मसूद अजहर को भले ही आज पाकिस्तान ने हिरासत में लिया हो, लेकिन पाकिस्तान और अजहर के बीच के गहरे रिश्ते के बारे में हम आपको बताते हैं। जैश ए मोहम्मद का प्रमुख मौलाना मसूद अजहर बहावलपुर के उस्मानो अली में रहता है। बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का 16 एकड़ के इलाके में हेडक्वार्टर है। जैश ए मोहम्मद के पास इस वक्त करीब 500 पूरी तरह से ट्रेंड आतंकवादी हैं। हाफिज सईद के लश्कर ए तैयबा के बाद जैश ए मोहम्मद भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। 2001 में संसद पर हमले के बाद जैश ए मोहम्मद को पाकिस्तानी सरकार ने अंडरग्राउंड कर दिया था। वर्ष 2001 के बाद अमेरिका और ब्रिटेन ने भी जैश ए मोहम्मद और मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगा दिया था। संसद हमले के बाद भारत सरकार ने जो 20 मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की लिस्ट पाकिस्तान को सौंपी थी उनमें सबसे ऊपर नाम मौलाना मसूद अजहर का था। मौलाना मसूद अजहर के ओसामा बिन लादेन और अफगानिस्तान में तालिबान के साथ भी गहरे रिश्ते थे जिनका इस्तेमाल ISI ने किया था। हालांकि परवेज मुशर्रफ के जमाने में जैश ए मोहम्मद के दिन अच्छे नहीं चल रहे थे। मुशर्रफ पर दो बार हमला करने की वजह से जैश ए मोहम्मद की आतंकी दुकान को बंद करने की कोशिश की गई। साल 2010 तक जैश ए मोहम्मद और मौलाना मसूद अजहर पाकिस्तान में चुपचाप काम करता रहा और अपनी ताकत बढ़ाता रहा।
लेकिन पिछले कुछ सालों में आईएसआई के सपोर्ट से जैश ए मोहम्मद एक बार फिर खुलकर सामने आ गया। और अराउंड द वर्ल्ड में अब बात करेंगे पाकिस्तान के पूर्व जनरल परवेज मुशर्रफ की, जो अपनी जुबान से अक्सर भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं। पठानकोट हमले के बाद पाकिस्तान सवालों के घेरे में है और इसी दौरान एक पाकिस्तानी चैनल ने परवेज मुशर्रफ का इंटरव्यू किया। इस इंटरव्यू में मुशर्रफ ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी मसले को सुलझाने का दिखावा करते हैं। इसके अलावा और क्या क्या कहा परवेज मुशर्रफ ने, देखिए इस रिपोर्ट में। आए दिन पाकिस्तान को बुरा भला कह रहे हैं, आए दिन एक ऑफेंसिव चीज़ें ऐसी करते हैं कि आदमी यहाँ पाकिस्तान की पब्लिक गुस्से होती है और मुझे भी फ्रेंकली आई एम वन ऑफ देम कि व्हाट इज़ ही ट्राइंग। मतलब वो बांग्लादेश गए हैं तो 71 वॉर सरेंडर की तस्वीरें एक्सचेंज हो रही हैं। ये कोई ये फ्रेंडली एटीट्यूड है हमारे साथ? ये तो आप हमारे मुँह पर तमाचा मार रहे हो, ऊपर से आप हमसे दोस्ती करते हो, हम दोस्ती का हाथ बढ़ाते हो, ये कैसे होगा? हाउ कैन दैट बी? अफगानिस्तान में जाते हो वहाँ हमें बुरा भला कह रहे, फिर इधर आकर हाथ मिला रहे, तो व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू? रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। पाकिस्तान में सेनाध्यक्ष और राष्ट्रपति रहे परवेज मुशर्रफ की हाल फिलहाल पाकिस्तान में कोई सियासी हैसियत नहीं है, पर बावजूद इसके पूर्व जनरल की जुबान से बड़े बोल निकलते रहते हैं। मुशर्रफ रिश्तों को बेहतर बनाने की बात कम करते हैं, उससे ज्यादा जहर उगलते हैं। एक पाकिस्तानी टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू के दौरान मुशर्रफ का फिर वही अंदाज दिखा। जैसे ही मुशर्रफ से भारत और उसकी नीतियों से जुड़ा सवाल पूछा गया, मुशर्रफ के मन का मैल दुनिया के सामने आ गया। इन योर असेसमेंट, जिस तरह कहते हैं कि भारत की जो लीडरशिप इस वक्त है, खासतौर पर बीजेपी की जो पावर में है, वाजपेयी साहब के साथ आपने इंटरेक्ट किया, नरेंद्र मोदी साहब के एटीट्यूड को आप एनालाइज करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो उनमें क्या फर्क पाते हैं? पीपल से कि वाजपेयी तो एक इंटेलेक्चुअल हैं, उनकी एक डेप्थ है, नरेंद्र मोदी साहब के लीडरशिप स्टाइल के बारे में आप क्या कहेंगे? इनका वही एटीट्यूड की मुझे फ्रेंकली आई एम क्वाइट कन्फ्यूज अबाउट हिज एटीट्यूड। डोमेस्टिकली स्ट्रांग होना, अच्छा चलाना, लेकिन इंटरनेशनली जो डीलिंग्स हैं, स्पेशली सेंसिटिव इशू जो पाकिस्तान के साथ डीलिंग है, जहाँ कन्फ्रंटेशन एकदम से एस्केलेट हो जाती है, उधर आदमी को आदमी के लीडर्स में बैलेंस होना चाहिए। आराम से वॉर हिस्टीरिया ना क्रिएट करो, क्योंकि सेंसिटिविटीज़ हैं, हमारी भी हैं, हम भी कोई छोटा मुल्क नहीं है, हम भी ताकत, हमारे पास भी ताकत है, तो ये मत दिखाएं, रोब ना दिखाएं इधर। मतलब वो बांग्लादेश गए हैं तो 71 वॉर सरेंडर की तस्वीरें एक्सचेंज हो रही हैं, ये कोई ये फ्रेंडली एटीट्यूड है हमारे साथ? ये तो आप हमारे मुंह पे तमाचा मार रहे हो। मुशर्रफ ने मोदी पर निशाना साधा तो पठानकोट हमले पर भी भारत को नसीहत दी, लेकिन जनरल साहब ये भूल गए कि हर सबूत चीख चीख कर कह रहा है कि पठानकोट का गुनहगार पाकिस्तान ही है। जहाँ तक पठानकोट का इंसिडेंट है, देखिए इसमें ये तो होते रहेंगे इस किस्म की चीजें, टेररिज्म एक्सट्रीमिज्म यहाँ है, हिंदुस्तान में भी है, यहाँ पाकिस्तान में भी है, हम भी शिकार हैं इसी चीज का, तो इस किस्म की चीज़ों से कोई ज़्यादा हमें ओवर रिएक्ट हाइपर नहीं हो जाना चाहिए। उनको कंट्रोल करना है, यस हमें भी देखना चाहिए, उन्हें भी देखना चाहिए, लेकिन हाइपर नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान का कोई भी सियासतदान भारत से रिश्ते सुधारने को लेकर गंभीर नजर नहीं आता, और बात अगर मुशर्रफ की करें तो उनकी नीयत और सोच पहले भी भारत के विरोध में दिए गए बयानों से साफ हो जाती है। पर फिलहाल पठानकोट जैसे आतंकी हमले पर सीख देने वाले मुशर्रफ को गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए और पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई को सीख देनी चाहिए कि वो भारत के खिलाफ साजिशों और हमलों को अंजाम देना बंद करें। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। वैसे पाकिस्तान में जब भी किसी नेता की जुबा खुलती है तो भारत के लिए जहर उगलना आम बात है, फिर भी भारत पड़ोसी को मौके देता रहता है। लेकिन अब अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी ये बात कबूल ली है कि पाकिस्तान आतंकियों के लिए जन्नत की तरह है। आतंक को खत्म करना है तो पाकिस्तान को मौका देना बंद करना होगा, आतंक का इलाज करना है तो पाकिस्तान को लेकर कड़े कदम उठाने होंगे।
क्योंकि पाकिस्तान आज की तारीख में आतंक की जन्नत बन चुका है। Instability will continue for decades in many parts of the world. In the Middle East, in Afghanistan and parts of Pakistan, in parts of Central America and Africa and Asia. Some of these places may become safe havens for new terrorist networks. ये बात किसी और ने नहीं, दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के सबसे ताकतवर शख्स यानी अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कही है। सवाल ये है कि जब दुनिया के सभी देश आईएसआईएस को खत्म करने के लिए बमबारी कर रहे हैं, पाकिस्तान में आतंकवादियों को जीवनदान क्यों दिया जा रहा है? जब अमेरिका आईएसआईएस को खत्म करने का ऐलान कर चुका है, तो पाकिस्तान की मरम्मत क्यों नहीं? ISIL will learn the same lessons as terrorists before them. If you doubt America's commitment or mine to see that justice is done, just ask Osama bin Laden. पाकिस्तान कैसे आतंकियों की जन्नत बन गया? हम इसका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, लेकिन उससे पहले पाकिस्तानी आतंक की सबसे नई तस्वीर देखिए। जलालाबाद में इंडियन काउंसिलेट से 200 मीटर की दूरी पर आतंकियों ने आत्मघाती धमाका करके पूरे अफगानिस्तान को दहला दिया, जिसमें अफगान पुलिस के 5 से ज्यादा जवान शहीद हो गए, जबकि 3 स्कूली बच्चों समेत 11 लोग जख्मी हुए हैं। पिछले 10 दिनों में अफगानिस्तान में भारतीय दूतावास पर 3 बार हमला हो चुका है। 3 जनवरी को मजार शरीफ में इंडियन काउंसिलेट पर पहला हमला हुआ था। इस हमले में पाकिस्तानी साजिश का खुलासा हुआ है। खुलासे के मुताबिक मजार शरीफ में भारतीय वाणिज्यिक दूतावास पर हुए आतंकी हमले में पाकिस्तानी सेना का हाथ था। अफगानिस्तान के टोलो न्यूज के मुताबिक बल्ख पुलिस के चीफ सैयद कमाल सादत ने कहा है कि पाकिस्तानी आर्मी के अफसर सीमा पार से आए थे, वो पूरी तरह से मिलिट्री ट्रेंड थे। पुलिस चीफ का मानना है कि उन्हें 99% यकीन है कि हमलावर पाकिस्तानी मिलिट्री के थे। वो पढ़े लिखे और बेहद चालाक थे। उन्होंने पूरे ऑपरेशन को स्पेशल टैक्टिक्स के जरिए अंजाम दिया। पाकिस्तान का रवैया जो है साफ तौर पे नजर आता है कि वो दोस्ताना रवैया नहीं है। वो वंस अगेन डिनाइल मोड में जाने की कोशिश कर रहा है। अंडर दी सर्कमस्टांसेस टॉक्स को रद्द नहीं करना चाहिए, टॉक्स को पोस्टपोन करना आवश्यक होगा। सारे के सारे जानते हैं कि परपेट्रेटर जो हैं वही हैं। सारे जानते हैं कि उनको आईएसआई और पाकिस्तान की मिलिट्री ने सपोर्ट दिया। पठानकोट हमले के 10 दिन बाद अब तक पाकिस्तान ने आतंकियों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है, जबकि मजार शरीफ पर अटैक में पाकिस्तानी आर्मी का हाथ सामने आया है। सवाल उठता है कि अफगानिस्तान से आई खबर के बाद भी पाकिस्तान के किसी जवाब का इंतजार क्यों किया जाए? अफगानिस्तान में भारतीय वाणिज्यिक दूतावास पर हमले में पाकिस्तानी सेना का हाथ होने की खबर के बाद भी पाकिस्तान पर भरोसा क्यों किया जाए? पाकिस्तान गवर्नमेंट ने आश्वस्त किया है, तो उस पर अविश्वास करने का कोई कारण अभी नहीं है, अभी नहीं है। अब इसके बारे में जो कुछ भी होगा उचित समय पर ही फैसला लिया जाएगा। उस पाकिस्तान से पठानकोट हमले में कैसी जांच की उम्मीद की जाए जो भारत के खिलाफ आतंकी हमले के लिए अपनी सेना का इस्तेमाल कर रहा है? आखिर भारत की सेना को कब तक रोका जाएगा? मैं इतना जरूर आपको बताना चाहता हूं कि इंडियन आर्मी जो भी टास्क हमें मिलेगा हम उसको करने के लिए पूरी तरह से सक्षम और तैयार हैं। सेना अध्यक्ष साफ साफ कह रहे हैं कि भारतीय सेना किसी भी ऑपरेशन के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री पहले ही बदला लेने का ऐलान कर चुके हैं। If someone is harming this country, I think that particular individual or that organization, I have purposely used the word individual or organization, should also receive the pain of such activity. पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं की जुबान बंद नहीं हो रही। आतंकियों को पाकिस्तानी आर्मी का खुला साथ मिल रहा है, तो क्या समय नहीं आ चुका है कि पाकिस्तान को मौका देना बंद करके उसकी मरम्मत शुरू की जाए? पठानकोट हमले के बाद भारत पाकिस्तान
पूरा मौका दे चुका है, लेकिन पाकिस्तान वादा निभाने में नाकाम रहा है। इसलिए पाकिस्तान को अब और मौका क्यों मिले? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। पाकिस्तान और भारत के बीच सचिव स्तर की वार्ता भी होनी है, जो पहले से ही प्रस्तावित भी थी, और लेकिन पठानकोट हमले के बाद इस वार्ता को लेकर भी अब तस्वीर साफ नहीं है। हालांकि पाकिस्तान ने मसूद अजहर की हिरासत की बात कही जरूर है, लेकिन भारत ने अभी इस पर कंफर्मेशन नहीं दी है। दो जनवरी 2016 पठानकोट में हमला, आतंकवादी पाकिस्तान। तीन जनवरी मजार शरीफ पर हमला, आतंकवादी पाकिस्तान। इन दो आतंकी हमलों और इसमें पाकिस्तान के हाथ होने के सबूत के बाद भारत पाकिस्तान के बीच विदेश सचिव स्तर की वार्ता होगी या नहीं, इस पर आखिरी फैसला होना अभी बाकी है। भारत पहले ही साफ कह चुका है कि आतंकियों पर कार्रवाई के बाद ही भारत अपना रुख साफ करेगा। अब पहल पाकिस्तान को करनी है। पाकिस्तान को हमने एक्शनेबल इंटेलिजेंस प्रदान कर दी है इस आतंकी हमले के बारे में, और अब हमें देखना है कि पाकिस्तान उस एक्शनेबल इंटेलिजेंस के ऊपर क्या निर्णय लेता है। इस बीच सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच 15 जनवरी को होने जा रही सचिव स्तरीय बातचीत से पहले दोनों देशों के एनएसए आपस में मिल सकते हैं। कहा जा रहा है कि दोनों देशों के एनएसए की मुलाकात के बाद ही सचिव स्तरीय बातचीत होगी। खबर ये भी है कि कुछ हफ्तों के लिए बातचीत टल सकती है। फिलहाल भारत और पाकिस्तान के बीच विदेश सचिव स्तर की बातचीत की तारीख आगे बढ़ने या वार्ता रद्द होने की कोई खबर नहीं है। कुछ वक्त बचा है और हम अभी भी उम्मीद लगाए हुए हैं। अगर हमारे दर्द से उनको खुशी होती है तो दोस्ताना नहीं कहला सकता। इस बीच अफगानिस्तान में भारतीय काउंसलेट पर हुए हमले में पाकिस्तानी हाथ होने के सबूत मिलने के बाद कांग्रेस समेत कई दल पाकिस्तान से बातचीत का तीखा विरोध कर रहे हैं। अब अगर सरकार या बाकी लोग उस सच को सुनना ना चाहें, देखना ना चाहें, तो उनका क्या कोई कर सकता है? क्या बातचीत फ्रूटफुल होगी? अगर बातचीत करेगी तो क्या पाकिस्तान की सरकार उसको जो वायदा करेगी डिलीवर कर पाएगी, इस स्थिति में है या नहीं है? दूसरी तरफ ये है कि बातचीत करने से अगर वहाँ के डेमोक्रेटिक तत्व स्ट्रांग होते हैं तो मैं समझता हूँ बातचीत जरूर करनी चाहिए। पाकिस्तान ने पठानकोट हमले की जाँच के लिए ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है। बहावलपुर, गुजरावाला और झेलम से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन क्या इतने भर से पठानकोट के गुनहगारों को सजा मिलेगी, इस पर यकीन करना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। पाकिस्तान के क्वेटा शहर में बुधवार सुबह एक पोलियो सेंटर में धमाका हुआ, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई और 20 लोग जख्मी हो गए। पाकिस्तान के क्वेटा में बुधवार सुबह एक पोलियो सेंटर में ब्लास्ट हुआ और सैटेलाइट टाउन में हुए इस धमाके में 20 लोग जख्मी हुए हैं। बलूचिस्तान के होम मिनिस्टर ने इसे फियादीन हमला बताया है। घायल लोगों को क्वेटा के सिविल हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया है। चश्मदीदों के मुताबिक इलाके में सुबह 9 बजे के करीब धमाके की आवाज सुनी गई और मारे गए लोगों में कई पुलिस वालों की भी मौत हो गई। पाकिस्तान में बुधवार को 3 दिन के एंटी पोलियो कैंपेन का आखिरी दिन था और बलूचिस्तान और क्वेटा में इसकी शुरुआत सोमवार को हुई थी। कैंपेन के जरिए 50 लाख बच्चों को वैक्सीन दिए जाने का दावा किया गया है। आपने इटली के उन दो आरोपी सैनिकों के बारे में तो सुना ही होगा, जिन पर भारत के दो मछुआरों की हत्या का आरोप है। कोर्ट की इजाजत से कभी क्रिसमस पर, कभी चुनाव के लिए, तो कभी इलाज के नाम पर वो अपने देश जाते रहे हैं, लेकिन इस बार हद हो गई। इलाज के लिए इटली गए एक मरीन के बारे में कहा जा रहा है कि वो अब भारत नहीं लौटेगा। मेसी मिलानो लातोरे, भारतीय मछुआरों की हत्या का आरोपी इटालियन मरीन। मेसी मिलानो इलाज के लिए इटली गया और अब कहा जा रहा है कि वो भारत नहीं लौटेगा।
इटली से आई ये खबर कूटनीति के लिहाज से हैरान करने वाली भी है। इटली की संसद की रक्षा समिति के प्रमुख सीनेटर निकोल लातोरे ने कहा है कि दो भारतीय मछुआरों की हत्या के आरोपी इटली के दो नौसैनिकों में से एक मसी मिलानो अदालती कार्रवाई के लिए भारत वापस नहीं लौटेगा। आरोपी नौसैनिक मसी मिलानो को एक ब्रेन स्ट्रोक के बाद सुप्रीम कोर्ट ने साल 2014 में 4 महीने के लिए इटली जाने की इजाजत दी थी, लेकिन उसके बाद इटली में रहने की उसकी मियाद और बढ़ गई। सुप्रीम कोर्ट ने इलाज के लिए उसे और 6 महीने इटली में रहने की इजाजत दी थी और ये समय सीमा भी बुधवार को यानी आज खत्म हो रही है। मछुआरों की हत्या का दूसरा आरोप सल्वाटोर गिरोन अभी भारत में ही है, वहीं इटली को अभी भी उसकी वापसी का इंतजार है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2012 में केरल के तट पर इटली के दो नौसैनिकों ने दो भारतीय मछुआरों की हत्या कर दी थी। We never forget this incident. Italian government denied the very verdict of International Tribunal on Law of Sea on the date of in the last September 1st. They don't allow Italian government and Indian government to extradite the convicts.